हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं बहुत दूर घूमने। दोस्तों आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। ये हम अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं और बहुत ही ख़ास काम है जिस काम को निपटाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सब लोग आए हुए हैं, भाभी हैं हमारी, मामी हैं और हम हैं, मम्मी हैं, बहन हैं, सब लोग हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और बहुत ही ख़ास काम है जिसके लिए हम लोग इतनी दूर आए हुए हैं, तो हम आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं। हम आपको बता देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं नीमसार। तो हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं एक जगह पर, तो बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए गाड़ी से उतर गए हैं बाहर। तो मैंने सोचा यहाँ का थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये बिल्कुल जंगली इलाका है दोस्तों। यहाँ पर रास्ते में बहुत सारा जंगल पड़ता है और उसी के बीच से होके ये रोड गई हुई है। तो ये हम सीतापुर ललिता माता के दरबार में जा रहे हैं। नीमसार में ललिता माता का दरबार है, माता जी के दर्शन करेंगे हम लोग और वहाँ पर हमको दर्शन भी करने हैं माता जी के। और बिटिया है हमारी भतीजी, तो उसका मुंडन भी है और हम सभी लोग जाएंगे। और मुंडन का भी ब्लॉग हम आज आपको नहीं दे पाएंगे दोस्तों, मुंडन हम आपको कल दिखाएंगे कि बिटिया का मुंडन कहाँ पर हुआ है, कैसे मुंडन हुआ है। तो यहाँ पर हम आए हैं दरोगा बाबा के आश्रम पे। हम लोग शाम को पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, लगभग 6 बजे 6-7 बजे के करीब हम यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर। बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो यहाँ दरोगा बाबा का आश्रम है जो कि हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर आश्रम में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो हम लोग यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं क्योंकि हमको रात यहीं बितानी है, यहीं पे रुकना है रात में, तो इसलिए सफाई हो रही है। ये पूरा धर्मशाला है जहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, बेड भी पड़े हुए हैं, लेकिन सब इधर उधर अस्त व्यस्त है। तो इसको सब हम लोग सेट करेंगे और यहीं पर हम लोग रात में रुकेंगे। यहाँ कूलर है, पंखे हैं, हर चीज़ की सुविधा है, तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, तो देखिए बच्चे मच्छरदानी के अंदर खेल रहे हैं। और हम लोग बिजली वाला पंखा भी ले गए हैं दोस्तों, बैटरी वाला, तो पंखा लगा के यहीं बच्चे आराम कर रहे हैं। और अब हम सुबह सुबह जा रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने। तो शिव जी का मंदिर भी काफ़ी दूर है आश्रम से, तो हम लोग आश्रम से निकल कर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग गोमती नदी में नहाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोगों ने गोमती नदी में स्नान नहीं किया है। तो आज जा रहे हैं, अगर कहीं तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ अगर नदी रहती है तो नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, हमारा ब्लॉग पूरा देखना। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना फील्ड है यहाँ पर। शहरों में तो इस तरह की जगहें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर हम कहीं दूर जाते हैं, गाँव की तरफ बढ़ते हैं, तो हमको इस तरह के बहुत सारे फील्ड दिखाई देते हैं। ये सारे गेहूं कटे हुए हैं, लोगों के खेतों में लगे हुए हैं गेहूं। किसी ने बोझ बना के रखे हैं, तो किसी ने ऐसे ही गेहूं काट के बोझ बना के रखे हुए हैं। और यहाँ पर कहीं कहीं पर हमने देखा है कि मशीन लगी हुई है और मशीन से गेहूं भी कट रहे हैं। जगह जगह पर मंदिर भी हमको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये माता जी का स्थान है। और यहाँ पर हर जगह पर आपको मंदिर मिलेंगे। अगर आप लोग नहीं गए हैं कभी नीमसार, तो एक बार जाके देखना दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। जो पौधे, जो पेड़ आपने कभी नहीं देखे होंगे, वो पेड़ भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह के यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिसका नाम भी हमें नहीं पता है कि ये पेड़ काहे के हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये हम लोग सुबह सुबह 8:30 बजे के करीब निकले हुए हैं क्योंकि हमको मुंडन भी करवाना है, 11-12 बजे के करीब मुंडन भी होना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी ही जा रहे हैं। सुबह हम लोग उठे हुए थे और उठने के बाद मंजन ब्रश करके सीधे हम लोग नहाने जा रहे हैं क्योंकि नदी में नहाने का मन था। बाथरूम की सुविधा तो बाबा जी के आश्रम में भी थी, लेकिन हम लोगों ने आश्रम में स्नान नहीं किया है और हम लोगों का मन था नदी में स्नान करने के लिए, तो हम लोग इसलिए नदी में स्नान करने जाएँगे। और वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, चारों तरफ वहाँ मोर दिखाई देते हैं, मोर बोलते भी रहते हैं, कहीं कहीं पे मोर नाचते हुए भी दिखे हैं। आप सभी लोग ऐसे ही देखते रहिए, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे।
भगवान शिव का बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पर। भगवान शिव जी की शिवलिंग जो है तो वो नीचे ज़मीन में है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हम भगवान शिव जी के मंदिर पर आ चुके हैं और यहाँ पर चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। तो पहले हमको स्नान करना है और उसके बाद हम भगवान शिव के दर्शन करेंगे। भगवान शिव की शिवलिंग यहाँ ज़मीन में है और पूरा ऊपर से पानी पानी भरा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। कहते हैं कि श्रद्धा भाव से जो लोग यहाँ पर बेलपत्री चढ़ाते हैं उनकी बेलपत्री पानी के अंदर चली जाती है, और जिनकी श्रद्धा नहीं होती, सच्ची श्रद्धा नहीं होती है, तो वो बेलपत्री पानी के अंदर नहीं जाती है। तो यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है और इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे नदी की तरफ। आप लोग नदी देख रहे होंगे, ये नदी है और वो मोर बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये मोर घूम रहे हैं। दो तीन मोर हमको यहाँ दिखाई दिए हैं और एक मोर तो हमें नाचता हुआ भी दिखाई दिया था, लेकिन हम जब तक वीडियो शूट करते तब तक वो मोर वहाँ से जा चुका था, तो हम मोर का नाचता हुआ वीडियो आपको नहीं दिखा पाए हैं। आज हम ललिता माता के मंदिर भी नहीं जा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हमको बहुत सारे काम भी रहेंगे। अभी यहाँ से जाने के बाद सभी लोग आ चुके होंगे वहाँ पर, क्योंकि आज भंडारा भी है और भंडारा भी करवाया जाएगा। उसके बाद हम लोग मुंडन करवाएंगे, तो मुंडन भी हम मंदिर में ही करवाएंगे, लेकिन माता जी के दर्शन हम आज आपको नहीं करवा पाएंगे क्योंकि बहुत सारे काम रहेंगे। तो देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं इतना ढेर सारा पानी देख कर कि ये नदी है और नदी में आज सबको नहाने को मिलेगा, तो इसलिए सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बड़े बच्चे सभी लोग। यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे, चूज़ करेंगे कि कौन सी जगह अच्छी है नहाने के लिए, जहाँ पर हम सभी लोग नहा सकते हैं। ज़्यादा गहराई में भी हमें नहीं जाना है, तो गहराई का ध्यान रखते हुए हम लोग पहले मुआयना करेंगे कि जहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं होगा वहीं पर हम लोग नहाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं हमारे साथ और बच्चों का भी बहुत ज़्यादा मन है नहाने का। तो सभी लोग जा रहे हैं, तो हम सभी लोग हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं, कम से कम हम लोग 10-12 लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि लेडीज़ हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ ही नहाएंगी और जेंट्स लोग आगे नहाएंगे, तो उन लोगों का घाट आगे है और ये महिलाएं हैं, तो यहाँ पर सारी महिलाएं नहाती हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पानी बहुत साफ़ दिखाई दे रहा है यहाँ का, तो हम लोगों ने विचार बनाया है कि सब लोग यहीं पर नहाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जेंट्स में कोई नहीं। और ये हमारी बहन है जो कि लगातार सेल्फी लेते जा रही हैं, ये अपनी फ़ोटो ही खींचती जा रही हैं, इनको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये सेल्फी खींच रही हैं और आगे मंदिर बना हुआ है और ये बच्चा है छोटा सा, ये हमारी बहन का बेटा है, बहनोई है, तो ये लोग सेल्फी ले रहे हैं। बहनोई हमारे यहाँ पे नहीं नहाएंगे, यहाँ सारी महिलाएं ही नहाएंगी। आप सभी लोग पूरा ब्लॉग देखना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये गोमती नदी है और नहाओ नहा, वीडियो बना रही, बुड्ढी लगाओ, बुड्ढी लगाओ सास बहुरिया। अरे हमारा कपड़ा नहीं है, लगा बुड्ढी, बुढ़िया हमारा कपड़ा नहीं है, लगा बुड्ढी, दोनों जने सास बहुरिया। ए दीदी बालों का ढीला, छोटी नहीं, एक बार उनको गिरा दोनों के बुढ़े लगवा दे, नाक से तेल गिर गया और एक बार फिर
आएगी दद्दा लोग बस करी और भी नहीं हम वो मार ली फिर कपड़ा लिए फिर मार ली मारो इनकी नक्की मम्मी जा देख लो क्या कर रही है टेबल चल रहा टेबल